को फ्री वाईफाई भी मिलेगा, तो वाईफाई से तो अपन ने कनेक्ट कर लिया, तो ये कनेक्ट। जो डिश है सर, ये बहुत यूनिक डिश है। ओके, इसका नाम है सर इंडियन सिजलर। तो बहुत कड़क है बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, देखिए बहुत ज़्यादा। अभी उसका ये सब सेट कर, एक्सपोजर वाइज सेट करना है। सो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? सब बढ़िया है ना? वहाँ एक बार देखो, वहाँ BTS भी शूट हो रहा है, दिखा दे वहाँ पे थोड़ा। GoPro से BTS शूट हो रहा है, तो BTS भी होप अगर हुआ तो BTS भी डाल देंगे, बाकी मेन ब्लॉग तो आएगा ही। बाकी हमने स्टार्ट कर दिया 30 days 30 vlog चैलेंज स्टार्ट कर दिया, और अभी अपन आए हैं हनी वर्ल्ड। नाम सुन के लग रहा कुछ ऑसम है, और बता दूँ अभी आपको सिनेमैटिक देखो आपको समझ में आएगा इसका नाम हनी वर्ल्ड क्यों है। तो पूरा एक्सप्लोर करते हैं, फूड वगैरह सब ट्राई करते हैं, मेन्यू दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जब आया स्टार्टिंग में मेन्यू देखा तो मेन्यू तो मेरे को बहुत रीजनेबल लगा, तो मेन्यू देख के पता नहीं फूड का टेस्ट कैसा है, रीजनेबल है कि नहीं पता चलेगा। तो चलो अब चलते हैं, और आप सिनेमैटिक्स इन्जॉय करिए, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। चलो अब यो से मिलते हैं। ये है मैनेजर, आप आइए प्लीज़। और आपका नाम? नमस्ते एवरीवन। और आपका नाम? माय नेम इज विश्वजीत। विश्वजीत, ओके। आप मेरे को थोड़ा सा रूफ टॉप और अंदर कहीं ना थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन करिएगा कि कैपेसिटी कैसा है, क्या है। तो इसमें हमारा 45 कैपेसिटी है। इसमें आप बर्थडे सेलिब्रेशन, कोई भी फेस्टिवल, जैसे कोई डेकोरेशन, जैसे कोई किटी पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, ये सब आप कर सकते हैं। ओके, इज इट नाइस व्यू नियर बाय IIT पुरी गेट। ओके, यहाँ पे मल्टी क्विजिन फूड मिलता है, जैसे कॉन्टिनेंटल, चाइनीज। हाँ, तो जैसे आप बोले कि बर्थडे वगैरह जो सेलिब्रेशन करना होता है, तो उसका बुकिंग कैसा होता है? बुकिंग सिस्टम? बुकिंग सिर्फ आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जैसे फ़ोन करके, यहाँ का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें आप बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप अप एंड डाउन करके हमारे साथ बात करके, आपको कितना कवर, कौन सा टाइप का फूड चाहिए आपको, इस तरह का फूड चाहिए, हम उसी तरह का फूड। तो जो प्राइसिंग होता है फूड और डेकोरेशन पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है आपका प्राइस। जैसे कि ये रूफ टॉप है, तो यहाँ का सीटिंग कैपेसिटी कितना होगा? जैसे कोई ऐसे सेलिब्रेट करने आया, ठीक है, विदाउट टेबल, विदाउट चेयर, इसमें 55 to 60 मतलब पूरा फूड। और ये हमारा अंदर का है, ये अंदर का। चलिए अंदर चलते हैं। ओके, मेरे को अंदर का देखा हूँ, मैं भी एक चीज़ पूछ रहा था। चलिए, रूफ टॉप है वो तो एक अलग यूनिक हो गया, जो अंदर कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। ये एक्चुअली इसे कॉल हनी वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट मीन्स वर्ल्ड मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट इन द कोरापुट। ओके, सो जैसे मैं देख पा रहा हूँ, तो मुझे देख के ऐसा लग रहा है जैसे जो हनी बीज का जो कॉम्ब होता है वैसा डिज़ाइन लग रहा है, तो मैं सही बोल रहा हूँ? यस, वही है ना। ओके, तो इनसाइड में कितना कैपेसिटी है बैठने का? इतना से इनसाइड आपका 35 to 38। ओके, फाइनल क्वेश्चन, आपका ये एड्रेस क्या है बता दीजिए एक बार व्यूअर्स को। IIT, जो IIT है उसके पास में पूरी गेट, उसमें आप देख सकते हैं ऊपर से ब्रिज से हनी वर्ल्ड। हनी वर्ल्ड आपको दिख जाएगा, जैसा फ्लाईओवर से जाएंगे आपको सिंपल ही दिख जाएगा हनी वर्ल्ड। बस आके विजिट करिए, मेरे को बहुत सही प्लेस है, बहुत अच्छा वाइब है यहाँ का। बाकी और कुछ, बाकी जो बात है बाद में करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ, ये चिकन रोलर है, ठीक है,
उसके साथ सौते वेज है, उसके स्टफिंग है उसका ब्रोकली, ब्रोकली विथ बेल पेपर स्टफिंग मैस्ड, ओके। और ये पनीर सते विथ पीनट बटर सॉस, पीनट बटर सॉस। अच्छा, जो मिडिल में इसके जो बीच में है, वो क्या है? बेस्ड ऑन पेरी पेरी। ओके, पेरी पेरी। यस, थैंक यू। सो गाइज, आई होप आप यहाँ का सिनेमैटिक सब देख लिए, इन्जॉय किए होंगे मस्त से। और यहाँ पे अपना डिशेज भी आ गया, जो कि एक्सप्लेन हो चुका है इससे पहले क्लिप में। और ये चीज़ बता दूँ, यहाँ आपको फ्री वाईफाई भी मिलेगा। तो वाईफाई से तो अपन ने कनेक्ट कर लिया तो आपको एक चीज़ करना है, आप सब्सक्राइबर से एक चीज़ करना है, ये जो दिख रहा है ना चैनल, दिख रहा है ना, फोकस हो रहा है ना, क्या चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है, बेल आइकन भी दबा लेना है। तो अब इसको रखते हैं साइड, अपन आते हैं फूड पे फोकस करते हैं। फूड कैसा है बताते हैं। तो फर्स्ट अपन लेते हैं ये चिकन रोलर, फर्स्ट टाइम सुनो, थोड़ा सा फोकस करना है यहाँ पे, थोड़ा दिखाना व्यूवर्स को भी, मतलब बहुत ही सही लग रहा है, मतलब एक इसमें फील कैसा, एक जंगल फील होता है ना, जंगल जंगल फील, वैसा फील आ रहा है, मतलब बहुत सही लग रहा है। तो फर्स्ट इसको लेते हैं, ये रहा। उसके बाद आई थिंक ये गनाश है, गनाश को लेते हैं, ये ले लिए, कुछ वेजीज, सॉटे वेजीज है, ये ले लेंगे। नेक्स्ट अपन लेंगे ये सॉटे पनीर, पनीर सॉटे या सॉटे पनीर जो बोलना है। तो पहले पनीर सॉटे से ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कैसे बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, ऊपर में बेल पेपर आई थिंक, हाँ बेल पेपर है, और इसको अच्छे से सॉटे किया हुआ है। तो फर्स्ट पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, आपको लगेगा बहुत कड़क है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, तो देखिए बहुत ज़्यादा। तो इसके साथ जो अपने को सॉस मिला है, पीनट बटर सॉस बोल रहे थे, तो इसके साथ ट्राई कर दें। मैं बोलूँगा सॉस का तो बेटर है, बट विदाउट सॉस बहुत सही लग रहा खाने में। अब वापस आते हैं चिकन रोलर पे, ये है चिकन रोलर, इसके साथ अपने को ये सॉस मिला है मायोनीज आई थिंक, डिप करते हैं इसको। फर्स्ट बाइट, जो अंदर स्टफिंग है, ये अंदर जो दिख रहा है वो पूरा का पूरा चिकन है, आई थिंक जैसे होता है ना वो होता है कबाब होता है, सीख कबाब होता है, वही है अंदर, इसके अंदर चिकन स्टफिंग है, बट मुझे उससे बेटर लगा। अब इसका प्राइस कितना है क्या है पता नहीं, बट मेन्यू में जब देखा तो प्राइस मेरे को रिजनेबल लगा, अगर वैसे ही प्राइस है तो बहुत सही है। टेक और बाइट, हर चीज़ दिखाना है सामने लग, यहाँ देखिए मशरूम भी है, वो भी ग्रिल्ड किया हुआ मशरूम है, ये मशरूम ग्रिल्ड किया हुआ मशरूम है। तो इसको अपन पीनट बटर में डिप करते हैं, खाते हैं। अच्छा, मैं बोलूँ कि दोनों डिश अगर आप स्टार्टर में लेना चाहते हो बहुत बेटर ऑप्शन है, बहुत सही है। वेजिटेरियंस के लिए पनीर सॉटे, और नॉन वेजिटेरियन के लिए चिकन रोलर, बहुत सही है। बाकी ये तो वेजीज है, जुकीनी वगैरह, तो ये आ क्यों नहीं रहा, छोड़ो, जुकीनी लेते नॉर्मल से ग्रिल किया हुआ, बहुत सही है, ये दोनों मेरे को अच्छा लगा। बाकी जो है नेक्स्ट डिशेज साथ में आपको मिला। सो गाइस, आपको पता ही चल गया होगा यहाँ का सब एड्रेस वेड्रेस, पहले हम बात कर चुके हैं मैनेजर से, उन्होंने बता दिया एड्रेस वगैरह, एक्सप्लेन कर दिया पूरा। अब यहाँ के ओनर्स मिलते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम संजय घोष। संजय घोष, तो आपका ये मतलब कैसे आया कॉन्सेप्ट में कि ये बनाना है? अच्छा, एक्चुअली खड़गपुर में थीम रेस्टोरेंट नहीं है। ओके, थीम रेस्टोरेंट से बहुत मतलब डिमांड है थीम रेस्टोरेंट का, तो मैं सोचा कुछ थीम रेस्टोरेंट बनाओ। ओके, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट में मेरा सीनियर एक मैम है, मैम के साथ कुछ डिस्कस करके ये वाला थीम बनाया। ओके, ना थीम बहुत ही अच्छा यूनिक है,
जैसे नाम हनी वर्ल्ड है वैसे पूरा अलग यूनिक लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लगा। तो बाकी आप ऐसा अपना कौन सा डिश मतलब बोलेंगे कि वो मतलब ट्राई करना ही करना, ऐसा सब डिश ट्राई करना ही है, बाकी ऐसा कौन सा बोलेंगे ये मतलब बहुत ज़्यादा, मैं अभी खाया था चिकन रोलर, मेरे को बहुत यूनिक लगा, टेस्ट भी लगा, तो वैसे आप कौन सा डिश करना चाहते हैं? हाँ वो भी वो बहुत अच्छा सेफ लोग बनाते हैं, ओके, तो कॉन्टिनेंटल एक डिश है, हाँ। तो वो भी ट्राई कर सकते हो सब लोग। और हम लोग का चाइनीज़ में बहुत सारा नया आइटम है, क्रिस्पर चिकन है और फिश एंड चिप्स है, नया नया बहुत सारा डिश है। तो गाइस आपने उन्हें से सुन लिया कि क्या क्या मिलता है, क्या क्या सही, और पूरा कॉन्सेप्ट सुन लिया, आइडिया कैसा आया। तो मैं होप करता हूँ आप सब आएंगे एक बार विजिट करेंगे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी पर आइए खाने के लिए। बाकी जो रिव्यू मैं आपको बाद में देता हूँ। हम लोग का ये जो डिश है सर ये बहुत यूनिक डिश है, ओके, इसका नाम है सर इंडियन सिजलर जी। ये जो राइस रहेगा, हाँ, ये आपका जास्मिन राइस रहेगा, जास्मिन राइस रहेगा okay। और जो ऊपर ग्रेवी देख रहे हो सर, हाँ, ये चिकन टिक्का मसाला है, चिकन टिक्का मसाला इसका जो ग्रेवी वो अंदर है, ऊपर वेज में मिलेगा सर, सेम राइस मिलेगा लेकिन वो चिकन का जगह पनीर रहेगा सर, पनीर मसाला आएगा सर। ओके थैंक यू। सो गाइस अब अपन खाने जा रहे हैं इंडियन सिजलर, जो ये है, जो कि एक्सप्लेन कर देगी क्या क्या है इसके अंदर में इंग्रेडिएंट्स, तो मैं अभी बताऊंगा नहीं क्या क्या, बाकी मैं बताता हूँ। अभी अपन बैठे हैं रूफ टॉप पे, एक बार दिखा देना, ये पूरा रूफ टॉप है, ये आपको फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर दिख रहा है जो मैं बोल रहा था कि फ्लाईओवर है, बाकी ये तो पूरा रूफ टॉप है। खाते यहाँ पे इंडियन सिजलर, तो ये देखिए राइस पूरे मतलब खुले हुए, राइस इज प्रिटी गुड। उसके बाद अपन अब आते हैं चिकन पे, तो ये देखो चिकन का पीस का साइज देखो, एकदम मतलब स्टैंडर्ड से थोड़ा बड़ा पीस है, तो बढ़िया चिकन टिक्का पीस है। फर्स्ट बाइट, बटर है, चिकन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जैसे चिकन टिक्का होता है ना बटर चिकन, उसका मतलब बोल सकते हो कि ग्रेवी बटर चिकन, और जो चिकन यूज़ किया गया चिकन टिक्का का, तब ये ग्रेवी के साथ में राइस ट्राई करते हैं। और सो मैं बोलूँगा ऐसा, हमने जो तीन डिश खाया, चार डिश खाया, तीन जो खाया आपने, जो पहले चिकन रोलर, फिर उसके बाद खाया था हाँ पनीर सॉटे था, और अब ये इंडियन सिजलर, तो मैं तीनों बोलूँगा कि बवाल है। मैं आई थिंक बहुत वीडियोस बाद में ये बात बोल रहा हूँ बवाल है, बट बहुत टेस्टी है, मेरे को अच्छा लगा, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, फिर बाकी जो बात होगा वो आपको बताता हूँ। अभी बोलूँगा तो आप ये तीन डिश मेरा रिकमेंडेशन है ट्राई करिए, और फ़ोन आ गया यहाँ पे, फ़ोन आ गया था, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये तीन डिश कन्फर्म ट्राई करिएगा, मेरे को बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है? तब ख़त्म करता हूँ, बाकी ऑनेस्ट रिव्यू को बताया घर जाकर दूंगा। सो गाइस मैं आ गया घर, और अब है टाइम ऑनेस्ट रिव्यू का, जो मुझे जैसा लगा, मैं बोलूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैं कहीं ब्लॉग के बाद में इतना ज़्यादा मतलब अच्छा मतलब मेरे को लग रहा है जाके कहीं पे। तो अब मैं बात करता हूँ कि फूड सर्विस, उसके बाद उनका बिहेवियर, उसके बाद आप पकड़ लो वहाँ का एम्बियंस, सब मिला के अगर मैं रेटिंग दूंगा तो 4.9 out of 5 में, 4.9 तो मैं दूंगा ही दूंगा आउट ऑफ 5 में से। बाकी जो मेन्यू भी था मेरे को लगा कि एज़ पर क्वांटिटी, एज पर क्वालिटी रीजनेबल था प्राइस उसका, और जो लोकेशन है बाहर रूफ टॉप भी है, वहाँ से मस्त व्यू दिखेगा, अंदर जैसे पूरा हनी बी का जो होता है उस टाइप का अंदर में था, बहुत मेरे को मस्त लगा। तो मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा बस जाइए, और फूड का तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं कि फूड में खाते वक्त ही बोल दे कैसा लगा मेरे को, तो फूड मेरे को तो बहुत ही बवाल लगा, उसको तो 5 out of 5 में दूंगा, इतना मेरे को अच्छा लग गया था फूड में, तो फिर प्लान कर फिर जाने का। तो बाकी मेरा तो यही रिव्यू था, एम्बियंस वगैरह सब मिला के 4.9 मेरा रेटिंग रहेगा, एंड जो एड्रेस है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इतना मैं बताया भी, अगर मेरे को गूगल मैप्स वाला लोकेशन मिल गया वो भी डाल दूंगा,
तो और कुछ नहीं, और अभी तक आप वीडियो पे बने हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। अब आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, और बता रहा हूँ आपको बार बार रिकमेंड कर रहे हैं, एक बार विजिट करो जाके, और वहाँ का फूड का टेस्ट मेरे को बताना आपको कैसा लगा। बहुत मेरे को तो अच्छा लगा, अब आप बताना आपको कैसा लगा। तो और कुछ नहीं, चलो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में।